तो नेक्स्ट टॉपिक इज अपेंडिजेस ऑफ स्किन। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि स्किन की कौन कौन सी अपेंडिजेस हैं उनको। तो देखिए, स्किन की सबसे मेन अपेंडिज है आपका नेल्स। तो नेल्स को हम किस नाम से जानते हैं, इसको ओनिक या ओनिको, ओनिक या ओनिको ग्रीक वर्ड में बोलते हैं और लैटिन में बोलते हैं उंगस, उंग्यूस या उंगस। कंपेयर विद द टर्म पेरोनाइशिया, कोइलोनाइशिया, ओनिको माइकोसिस, ये सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जब आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी चेक करते हैं। तो ये सब के सब कोई सी कोई डिसीज़ या कोई कंडीशन रिलेटेड टू द नेल्स होते हैं। हम नेल्स में समझते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहले तो सबसे पहले होता है कि फिंगर नेल, फिंगर नेल को सपोज़ करिए मैंने ये पिंक कलर से बना दिया, ये हो गया आपका नेल। फिंगर नेल के नीचे होता है उसका बैड, जिस पर फिंगर नेल रेस्ट करता है। इसके बाद यहाँ पर हो गई रूट, नेल की रूट, जहाँ से ये ग्रो करेगा। और ये हो गई आपके डिस्टल फेलेंच, ये बोन हो गई, और ये मसल सुपरफिशियल फेशिया वगैरह। तो मेन हमको ये याद रखना है, नेल बैड होता है, फिंगर का नेल होता है पिंक कलर से, इसकी ये जो पॉइंट जो नेल को आधा कवर कर रखती है, कवर करके रखती है स्किन, उसको क्यूटिकल बोलते हैं, और नेल की एक रूट होती है। हम नेल है क्या पहले समझते हैं। नेल्स आर हार्डेंड केराटिन प्लेट, केराटिन प्लेट कहाँ होंगे, कॉर्निफाइड जोन ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द टिप ऑफ फिंगर एंड टोज एंड एक्ट इज एज अ रिजिड सपोर्ट टू द डिजिटल पैड्स ऑफ द टर्मिनल फेलेंजेस। तो ये सपोर्ट देते हैं किसको, डिजिटल पैड्स को, हमारी जो डिजिट्स होती हैं उसके टर्मिनल एंड को, क्योंकि फिर वो सॉफ्ट रहेंगे उससे। ईच नेल हैज़ फॉलोइंग पार्ट, हर एक नेल के पास फॉलोइंग पार्ट होते हैं। एक होती है आपकी रूट, जिसको मैंने नेल रूट बताया यहाँ पर। ये इट इज़ द प्रॉक्सिमल हिडन पार्ट विच इज़ बरीड into the nail groove and overlapped by the nail fold of the skin. इसी को बोला ना cuticle. Free border is the distal part of the free from the skin. तो ये जो बाहर निकले रहते हैं नाखून बड़े होने के बाद, ये हो गया इसका free part. ये body. Body is exposed part of the nail which is adherent to the underlying skin. The proximal part of the body present a white opaque crescent called lunule. Each lateral border of the nail body is overlapped by a fold of skin termed nail wall. So, dekhiye. इसको क्या बोलते हैं, लेटरल वॉल, और ये स्किन, ये जो क्रीसेंट्रिक एरिया है नेल का, और ये नेल। चलिए इसको नेल पेंट लगा देते हैं, ये इसको हमने नेल पेंट लगा दिया। अब ये जो नेल पेंट लगने के बाद इसके आसपास हल्की सी स्किन दिखती है ना, हाँ, तो ये है नेल वॉल। ये क्रिसेंट एरिया, हाफ मून टाइप एरिया जो है, इसको बोलते हैं लूनियूल। ईच लेटरल बॉर्डर ऑफ नेल बॉडी इज ओवरलैप्ड बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन दैट इज कॉल्ड नेल वॉल। द स्किन जर्मिनेटिव जोन प्लस कॉर्नियम बीनीथ द रूट एंड बॉडी ऑफ द नेल इज कॉल्ड नेल बेड। तो नेल बेड इज कंपोज्ड ऑफ जर्मिनेटिव प्लस कॉर्नियम। कौन कौन सा, स्ट्रेटम कॉर्नियम और जर्मिनेटम, एपिडर्मिस के पार्ट है ना दोनों, ये दोनों के दोनों पार्ट कन्वर्ट होकर बन जाते हैं नेल बेड, जो मैंने इससे दिखाया ना ब्लू कलर से, दैट इज नेल बेड। द जर्मिनेटिव जोन ऑफ नेल बेड बीनीथ द रूट एंड लूनियूल इज थिक एंड प्रोलिफरेटिव दैट इज जर्मिनल मैट्रिक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द नेल। तो ये जो नेल रूट है इस एरिया से ये ग्रो करना शुरू करता है। द रेस्ट ऑफ द नेल बेड इज थिन स्टराइल मैट्रिक्स ओवर विच द ग्रोइंग नेल ग्लाइड्स
under the translucent body except lunule of the nail, the corneum is very vascular. This is account for their pink color. तो ये नेल्स का जो पिंक कलर होता है क्योंकि इसके नीचे काफ़ी अच्छी ब्लड सप्लाई होती है, केवल इस रीजन को छोड़कर लिन्यूल, क्योंकि ये देखिए ये डार्क मिलेगा जो अपने नेल्स के लिन्यूल वाला पार्ट होता है वो डार्क होता है। अब दूसरे अपेंडिज की बात करते हैं, दैट इज हेयर। हेयर की बात करें तो हेयर इज अ केराटिनियस फिलामेंट derived from the invagination of germinative layer of epidermis into the dermis. ये भी देखिए important बात है, यानी hair और nail दोनों का ही origin कहाँ से हो रहा है? Epidermis. Epidermis में changes आ रहे हैं। अब इसमें invagination किसका होगा? Epidermis. तो ये dermis है और ये epidermis है। अगर ये epidermis इसमें invaginate हो जाए, अंदर चली जाए, तो यही इसी को हम क्या बोलते हैं? हेयर। तो हेयर आर केराटिनियस फिलामेंट ड्राइव्ड फ्रॉम द इन्वेजिनेशन ऑफ जर्मिनेटिव लेयर ऑफ एपिडर्मिस इनटू द डर्मिस। ये जो इन्वेजिनेटेड लेयर है इसी से ड्राइव होता ही है। दे आर पेकुलियर टू द मैमल्स लाइक फेदर्स टू द बर्ड। जैसे बर्ड्स के फेदर होते हैं वैसे ही मैमल्स की बॉडी पे हेयर होना एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है उस फाइलम का। एंड हेल्प इन द कंजर्वेशन ऑफ बॉडी हीट। हेयर्स का मेन फंक्शन क्या है? कंजर्वेशन ऑफ बॉडी हीट। हाउएवर इन मैन द हीट लॉस्ट इज प्रिवेंटेड बाय क्यूटेनियस सेंसेशन ऑफ टच। और इंसान के अंदर हीट लॉस टच से भी होता रहता है। हेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट द पाम, सोल्स, डॉर्सल सरफेस ऑफ डिस्टल फेरेंजेस, अम्लाइकस, ग्लैंड पेनिस, इनर सरफेस ऑफ प्रिप्यूस, लेबिया माइनोरा, इनर सरफेस ऑफ लेबिया मेजोरा। तो ये सारे जो एरिया हैं इन सभी जगहों पर हेयर्स नहीं होते। इनके आसपास हेयर हो सकते हैं लेकिन इन सभी जगहों पर हेयर नहीं होते। The length, thickness and color of hair vary in different part of body and different individuals. Body में hair की length, उसकी thickness और उसका color vary करता है location to location. Each hair has an implanted part called root. हर एक hair का एक implanted part होता है। ये देखिए dermis, ये इसका implanted part, ठीक है। तो ये हो गई epidermis और ये हो गई dermis, और ये जो implanted part है इसको क्या बोलते हैं हम? Root. इसको क्या बोलते हैं? रूट। ईच हेयर हैज एन इम्प्लांटेड पार्ट कॉल्ड रूट। इम्प्लांटेड पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट। एंड अ प्रोजेक्टिंग पार्ट कॉल्ड शेफ्ट। ये जो पोर्शन है जो मैं दिखता है ब्लैक कलर का, इसको मैं क्या बोलता हूँ? शेफ्ट। द रूट इज सराउंडेड बाई हेयर फॉलिकल। ये रूट के आसपास क्या होता है? ये ग्रीन कलर से जो मैं बना रहा हूँ इसको मैं बोलता हूँ हेयर फॉलिकल। क्या बोलता हूँ इसको मैं? हेयर फॉलिकल। अ शीत ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। हेयर फॉलिकल क्या है? शीत ऑफ, क्योंकि देखिए ये कहीं ना कहीं ये जो मान लीजिए मैं ग्रीन कलर से एपिडर्मिस को बना रहा हूँ, ये एपिडर्मिस अंदर चली गई डर्मिस में। डर्मिस में रिच ब्लड सप्लाई होती है, तो मैं इसको पिंक कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेयर है मतलब रूट के ऊपर ये जो डबल लेयर बनी, ये जिसमें आपका एपिडर्मिस भी है और इसका डर्मिस भी है, देखिए पिंक कलर भी आ रहा है और ग्रीन कलर भी आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोक्सिम इट इज़ एक्सपेंडेड एज इट्स प्रोक्सिमल एंड टू फॉर्म हेयर बल्ब एंड एक्सपेंडेड एज हेयर बल्ब। ईच हेयर बल्ब इज इन्वेजिनेटेड एट इट्स एंड बाई द हेयर पेपिला वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू विच फॉर्म द न्यूरोवेस्कुलर हाइलम ऑफ द हेयर एंड इट्स शीथ। हेयर ग्रो एट हेयर बल्ब बाई प्रोलिफरेशन ऑफ इट्स सेल कैपिंग द पेपिला। तो ये हो गया अपना हेयर की बात हो गई कि हेयर में रूट हो गई, शेफ्ट हो गई, और ईच हेयर बल्ब इज इन्वेजिनेटेड एट इट्स एंड बाई हेयर पेपिला। इसके बाद हेयर फॉलिकल एनक्लोजिंग हेयर रूट। ये फॉलिकल के अंदर क्या है? हेयर रूट।
lies obliquely to the surface of skin. देखिए मैंने oblique बनाया इसको, which is responsible for the characteristic hair streams in different part of the body. तो ये हमारे जो बाल हैं किसी खास direction में गिरे रहते हैं, वो इसी की वजह से, क्योंकि इसकी जो location है वो थोड़ी सी obliquely placed होती है. The erector pylorum muscle, the smooth muscle supplied by the sympathetic nerve connect to the under surface of the follicle to superficial part of the dermis. तो देखिए यहाँ पर erector pylorum muscle होती है, इसकी root के पास यहाँ पर वो इससे attach रहती है. ये erector pylorum muscle की supply क्या है? Sympathetic nerve. Sympathetic nerve क्या होती है? Fight and flight के इसमें काम करती है, 3F condition में. तो जब भी कोई body के लिए खतरनाक condition बनेगी तो हमें डर लगेगा, और डर लगने से क्या होता है? Goosebumps, बाल खड़े हो जाते हैं. तो उन बालों को खड़े करने का काम किसका? इस muscle का ही काम है, erector pylorum muscle का. इट कनेक्ट टू द अंटर सर्फेस ऑफ फॉलिकल टू द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ डर्मिस. तो ये अटैचमेंट किस में? डर्मिस और फॉलिकल में. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल लीड्स टू इरेक्शन ऑफ हेयर. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं. स्क्वीज आउट ऑफ द सीबम, स्क्वीज आउट द सीबम एंड प्रोड्यूस गूज स्किन. और डर लगने पर जो बाल खड़े हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं गूज स्किन. द फीटल स्किन इज कवर्ड बाई फाइन हेयर. फीटल स्किन कैसी होती है? जिनको बोलते हैं हम लानुगो और प्राइमरी हेयर. प्राइमरी हेयर्स को हम क्या बोलते हैं? लानुगो. तो जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें गोल्डन कलर के हेयर्स होते हैं, हमने देखे उनको क्या बोलते हैं? लानुगो. यही होते हैं प्राइमरी हेयर्स. दीज आर मोस्टली शेड बाई बर्थ. और ये जैसे जैसे बच्चा 2-3 महीने का होने लगता है उसकी बॉडी पर से सारे बाल शेड आउट हो जाते हैं, हट जाते हैं. दे आर रिप्लेस ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड अनदर सेट ऑफ फाइन हेयर कॉल्ड वेलस. तो वेलस हमारे ओरिजिनल हेयर्स होते हैं जो बच्चों को आते हैं ना, दैट इज सेकेंड हेयर. दीज आर रिटेन्ड इन मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी बट आर रिप्लेस बाई थिक एंड डार्क टर्मिनल हेयर्स ऑफ द स्काल्प एंड आईब्रो एंड अदर हेयरी एरियाज ऑफ स्किन. तो बॉडी पे जो हल्के हल्के रोए होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं पूरी बॉडी पर, जो हमारा मेमिलियन करेक्टर है, उनको हम बोलते हैं वेलस. जहाँ जहाँ पर वो डार्क हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम टर्मिनल हेयर्स. तो हेयर्स की 3 कैटेगरी आपको याद रखनी है. एक होता है लानुगो जो छोटे बच्चों में होता है, फिर होता है वेलस जो सबकी बॉडी पर होते हैं हल्के हल्के, बहुत ही मतलब जो बहुत ध्यान से देखने पर पता चलते हैं, और एक होते हैं बिल्कुल डार्क हेयर जो दिखते हैं स्पेशली इन केस ऑफ मैन. तो वो सारे के सारे हेयर्स को हम बोलते हैं टर्मिनल हेयर्स. द हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ अबाउट 1.5 to 2.2 मिलीमीटर पर वीक. ये ग्रोथ है हेयर की. Their growth is controlled by hormone. The lifespan of hair varies from 4 months eyelashes and axillary hairs to 4 years scalp hair. तो lifespan hair का कब होता है? 4 महीने से लेकर 4 साल तक हो सकता है. इसीलिए इसको continuous cutting करानी पड़ती है, क्योंकि dead part को हम हटाते रहते हैं. अगर नहीं हटाएंगे तो वो खुद ब खुद टूट टूट कर गिरने लगेंगे. तो ये हो गई हेयर की बात. अब बात करेंगे हम अगली वीडियो में ग्लैंड्स.